हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी कितने टाइप की होती है हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियोस में उसकी एग्जांपल्स करेंगे। तो फर्स्ट डिसकॉन्टिन्यूटी हम देख लेते हैं, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। देखिए ये क्या चीज़ होती है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। आप कहेंगे मैम फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है, अलग अलग टाइप्स की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। देखिए किस तरह की, रिमूवेबल, यहाँ से ही हमें क्लियर हो रहा है कि जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, जिस डिसकॉन्टिन्यूटी को हम कॉन्टिन्यूटी में चेंज कर सकते हैं, तो वो होती है हमारी रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। देखिए इसमें क्या चीज़ होती है, अगर आपके पास लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स, ये तो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रही है, और आपके पास इसकी एक फाइनाइट वैल्यू भी आ रही है, ठीक है, आपको एक फाइनाइट वैल्यू इसकी मिल रही है, बट आपके पास क्या है कि जो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की अगर हम बात करें, वो f ऑफ a के इक्वल नहीं आ रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अगर आपके पास लिमिट की वैल्यू आ रही है, मीन्स अगर आप देखें तो अगर आपके पास इस ए पॉइंट के ऊपर इस एफ ए की कोई वैल्यू जो है वो नहीं डिफाइन हो रही है, वो आपके पास उसके इक्वल नहीं आ रही है, बट अगर आप ए के लेफ्ट साइड पे कोई भी पॉइंट्स देखते हैं, ए के राइट साइड पे कोई भी पॉइंट्स देखते हैं, वहाँ पे अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है, अगर एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिल जाती है, तो अब तब हम उसको क्या कहेंगे, वो क्या है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है। मीन्स इस ए पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, बट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जितने भी पॉइंट्स उसके नेबरहुड में लाई करते हैं, वो सारे पॉइंट्स पे वैल्यू जो है वो आपको मिल रही है, ठीक है, तब हम आपको उसको क्या बोल देंगे, दैट इज़ रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। चलिए हम इसको, मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने किया एक्स स्क्वायर माइनस फोर ओवर एक्स माइनस टू, और मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू टू पे। अब मैं सबसे पहले F2 चेक करती हूँ, अगर मैं F2 की बात करूँ तो F2 मेरे पास आ जाएगा, दैट विल बी 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, दैट विल बी 0 ओवर 0। तो मीन्स ये तो मेरे पास डिफाइन ही नहीं हुआ है ना, तो मुझे इसकी तो कोई वैल्यू नहीं पता चली। अब मैं चेक करती हूँ लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2, तो इसको मैं फैक्टराइज कर सकती हूँ, लिमिट x माइनस x टेंस टू 2, इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस टू एक्स प्लस टू, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी ऑब्वियसली, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस टू एक्स प्लस टू डिवाइड बाय, यहाँ पे नीचे मेरे पास आ जाएगा x माइनस टू, और यहाँ पे ये x माइनस टू और x माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब मैं इसमें लिमिट पुट करूँगी तो ये मेरे पास वैल्यू आती है 4। मीन्स यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चलती है कि लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि ये एग्जिस्ट भी कर रही है और ये एक हमें फाइनाइट वैल्यू भी मिल रही है, बट अगर मैं बात करूँ कि F2 की, तो F2 जो है वो मुझे नहीं डिफाइन हो रहा, F2 का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किसकी क्या वैल्यू आएगी, जीरो ओवर जीरो आ गया, तो मीन्स ये जो लिमिट है ये F2 के इक्वल नहीं आई है, तो इस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी को क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। इस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी को हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर, नेक्स्ट हम एग्जांपल्स करेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। देखिए हमने लास्ट वीडियोस में किया था, हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव दैट इज नॉट इक्वल टू x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स। देखिए अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और जो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल आती है राइट हैंड लिमिट के, बट एक कंडीशन क्या है, बट लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं पर दोनों की वैल्यू अगर सेम नहीं आ रही है, तब मैं उसको क्या बोलूँगी, ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। तब मैं उसको क्या बोलूँगी, ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ
फर्स्ट टाइम दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल नहीं आ रही हैं, पर दोनों की वैल्यूज़ को ही हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, वो एग्जिस्ट कर रही है। देखिए एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। जैसे मैंने कोई फंक्शन लिया, इस टाइप के फंक्शंस आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू है 1 व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 और इसकी वैल्यू है -1 व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0। इस टाइप के फंक्शंस हैं। जब आप ग्रेटर देन 0 की बात करोगे उसकी वैल्यू 1 आ रही है, लेस देन 0 की बात करोगे तो उसकी वैल्यू लेस देन -1 आ रही है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव की, अगर मैं 0 नेगेटिव की बात करूँगी मीन्स मेरा आ गया लेस देन ज़ीरो, तो मेरे पास वैल्यू आएगी -1। और अगर मैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस की बात करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स के। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिसकॉन्टीन्यूटी कौन सी हो गई, डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्लियर हुआ? जब हम एग्जांपल्स करेंगे, आपको एग्जांपल्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई एक एग्जांपल आपको गिवन होगी उसमें आपको बताना होगा ये फंक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूअस है या फिर ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है। अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है देन इट्स ओके, अगर ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है तो फिर आपसे टाइप्स पूछ ली जाती हैं कि किस टाइप के डिसकॉन्टीन्यूटी है, तो आप इसमें कैसे बताओगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम इसमें चेक करेंगे, अगर ये दोनों नहीं इक्वल आती हैं बट ये फाइनाइटली हमें मिल जाती हैं तो हम क्या बोल देंगे कि ये डिसकॉन्टीन्यूटी फर्स्ट काइंड की है। और अब हम चेक करते हैं डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड की डिसकॉन्टीन्यूटी में क्या होता है, देखिए यहां पे लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो आप क्या कहोगे, दैट इज़ डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अगर लिमिट एक्सटेंस टू, यानी कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है, दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो हम उसको क्या बोल देंगे, ये डिसकॉन्टीन्यूटी है किस टाइप की, डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। क्लियर होगी इतनी चीज़? आपको जस्ट एग्जांपल्स में इतना ही पूछा होता है और आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो अगर ये हो जाए तो इसका मतलब तो ये कॉन्टीन्यूअस ही हो गया। अगर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए आ गया इसका मतलब रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी हो गया, ठीक है, और यहाँ तक तो हो गया। अब ये दोनों चीज़ें हो गई, अगर ये सारी इक्वल आ गए तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, अगर ये सारी इक्वल आ गए तो ये क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस ही हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि अगर ये दोनों तो इक्वल आ गए बट ये एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आया तो ये कौन सी हो गई, रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट में क्या होगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट के और ये दोनों लिमिट्स जो हैं ये एग्जिस्ट कर रही हैं तो हम इसको बोल देंगे फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टीन्यूटी। प्रैक्टिस हो रही है आपकी यहाँ पे, वीडियो को ध्यान से सुनते रहो, यहीं पे आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट जो है अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो डिसकॉन्टीन्यूटी किस टाइप की हो गई, सेकेंड काइंड की। क्लियर? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं और आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।